वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनिट आपका 5th है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, प्रश्न आपका 10 कह रहा है, क्रिस्टल द्वारा एक्स किरणों के विवर्तन ब्रैग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, क्रिस्टल द्वारा एक्स किरणों के विवर्तन के ब्रैग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, आपसे पूछ रहा है। या और इसी को कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं कि टिप्पणी लिखिए किस पर, ब्रैग समीकरण पर। ठीक है, ब्रैग समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, जिसे कहते हैं एन लैम्डा बराबर क्या होता है आपका 2d sin थीटा। एन लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या होता है 2d sin थीटा होता है आपका। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ब्रैग समीकरण की, क्या है ये। ठीक है, ब्रैग समीकरण, ये कोई वैज्ञानिक थे आपके, ब्रैग समीकरण की अगर हम बात करें तो ब्रैग नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया था कि ब्रैग ने यह बताया कि एक्स किरणों के लिए क्रिस्टल केवल पारगमन ग्रेटिंग ही नहीं होता, जो आपका क्रिस्टल होता है, जालक होता है, वो केवल पारगमन ग्रेटिंग ही नहीं, ये जो आपका ग्रेटिंग शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर मैं बात करूं ग्रेटिंग की, ठीक है, तो ये एक ऐसी ऑप्टिक डिवाइस होती है, ऐसा आपका एक प्रकाशक यंत्र होता है, जो क्या करता है लाइट को डिस्पर्स कर देता है, या लाइट को प्रकाश को बिखेर देता है। ठीक है, प्रकाश के बंडल को, ठीक है, क्या कर देता है, बिखेर देता है। ठीक है, कुछ इस तरह, मान लो ये बीम, लाइट ऑफ बीम जा रहा है, तो इसको क्या करेगा, कुछ इस तरह से इसको बिखेर देगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, इस तरह से। और ये किस मतलब इसमें बहुत सारे ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है, खांचे पाए जाते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं, ये आपका इस तरह से हो गया, तो इसके बीच में आपका कुछ इस तरह से खांचा पाया जाएगा। ठीक, फिर ये बन जाएगा इस तरह से, फिर इसमें आपके एक खांचा पाया जाएगा, फिर ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, ये खांचे पाए जाते हैं, जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं, GROOBS। ठीक, तो ये क्या होती है, एक आपकी ऑप्टिक डिवाइस होती है, ऑप्टिक डिवाइस होती है, यानी कि प्रकाशक यंत्र होता है, जो क्या करता है, प्रकाश के पुंज को या प्रकाश के बंडल को बिखेर देता है, डिस्पर्स कर देता है, और इसमें ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, खांचे टाइप इसमें संरचनाएं पाई जाती है, तो ये याद रखना है किसके लिए, आपको ग्रेटिंग के लिए। ठीक है, क्या करता है, परावर्तन ग्रेटिंग की भांति भी कार्य करता है, और क्या कर देता है, लाइट को परावर्तित भी कर देता है, जैसे इस पे पड़ेगी और क्या कर देगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करता है, परावर्तन की तरह काम करता है। ठीक है, पारगम का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या ले जाना। करा क्रिस्टल का प्रत्येक जालक, जो आपका क्रिस्टल है, ठीक है, जो आपका क्रिस्टल बना हुआ है, इसके अगर हम प्रत्येक जालक की बात करें, तो एक्स किरणों के लिए ग्रेटिंग की एक रेखा की भांति कार्य करता है, जैसे एक्स किरणों की अगर हम इस पे एक्स किरणें डालें, तो इसके लिए एक रेखा की भांति कार्य करेगा। समान ग्रेटिंग से प्राप्त स्पेक्ट्रा की स्थितियां ग्रेटिंग की उत्तरोत्तर रेखाओं से बची दूरी पर निर्भर करती हैं। अब देखो, ये जो आपकी रेखाएं हैं, ठीक है, क्या है, स्पेक्ट्रम की स्थितियां ग्रेटिंग की उत्तरोत्तर रेखाओं, ये जो आपका है ग्रेटिंग, ठीक है, इसकी जो रेखाएं हैं जिनमें ग्रुप्स पाए जाते हैं, इसके बाद एक नई रेखा बनती है। ठीक है, इनकी रेखाओं से बची दूरी पर निर्भर करती है, इनकी रेखाओं के बीच में जो कुछ दूरी बची हुई है, इस पर यह निर्भर करती है। ठीक उसी तरह से क्रिस्टल रूपी ग्रेटिंग का स्पेक्ट्रा क्रिस्टल से उत्तरोत्तर जालक तलों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो ये जालक के बीच की जो दूरी होगी, इस पर भी आपका स्पेक्ट्रा डिपेंड करेगा कि मतलब इसके बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, ये, ठीक है, अब इसका आपको दे रखा है यहाँ पर पूरा आपका समानांतर आपका चित्र बना हुआ है, गया समानांतर तलों से एक्स किरणों का परावर्तन, जो आपकी एक्स किरणें हैं समानांतर तलों से, उनका परावर्तन किस तरह से हो रहा है, ये यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। तो ये आपका एक कोई तल है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये क्या है आपका एक तल है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, जिसके बीच में आपको ग्रुप्स नजर आ रही है, ये क्या है आपके खांचे, ठीक है, ग्रुप्स, और ये क्या है इनके बीच की दूरी, जिसको क्या मान लिया है, डी मान लिया, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या मान लिया है, डी मान लिया, ठीक है, उत्तरोत्तर रेखाओं के बीच की दूरी। अब इस पे क्या करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं तीन लाइन, ये क्या है, बीम ऑफ लाइट, क्या है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है,
प्रकाश का पुंज है जिसको इस पर डाला जा रहा है, ठीक है, किस पर डाला जा रहा है, एक परावर्तक तल है इस पर इसको डाला जा रहा है। तो अगर हम बात करें पहली लाइन की, जो आपकी पहली रेखा है, ठीक है, या पहली किरण है आपकी, जिसे एच जी और यहाँ पर क्या है आपका ओ बिंदु है, ठीक है, इसको क्या माना है, ओ बिंदु माना। तो ये लाइन क्या है आपकी एच जी और क्या हो जाएगी ओ, ठीक है, एच जी और ओ। अब दूसरी लाइन क्या है, इसको मान लिया एच डैश और जी डैश और ये क्या है आपका ओ डैश, ठीक है, एच डैश जी डैश और ओ डैश, जहाँ पर ये पहली लाइन को काट रही है, ठीक है। दूसरा क्या, तीसरा लाइन आपका क्या है एच डबल डैश और जी डैश डैश, ठीक, और आगे ये लाइन आपकी यहाँ पर आ गई है, यहाँ से ये परावर्तित हो गई, ठीक है, और ये लाइन आपकी यहाँ से परावर्तित हो गई, ये लाइन आपकी यहीं से। अब इसमें देखो तीनों में अंतर क्या, ये वाली जो आपकी पहली लाइन है ये कुछ आपकी यहीं से परावर्तित हो गई, ठीक है, दूसरी लाइन की अगर हम बात करें तो ये इसको कहाँ तक चलना है, देखो यहाँ तक, ठीक है, तो ये यहाँ इतना आगे बढ़ने के बाद ये क्या हुई है, परावर्तित हुई है और वहीं पे जाके मिली है जहाँ आपकी पहली लाइन परावर्तित हुई है, ठीक है। इसी तरह से तीसरी की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से परावर्तित होने के बाद कहाँ मिल रही है, जहाँ आपका ओ बिंदु है, जहाँ पहली लाइन आपकी परावर्तित हुई है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपका दे रखा है इसके बीच में ये क्या है आपका इन दोनों के बीच में बी और ए के बीच में आपका थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है आपका थीटा कोण बन रहा है। इसमें क्या है सी और ए के बीच में एक कोई लंब डाल दिया गया है, सी और ए के बीच में ओ भी आपका क्या पड़ा हुआ है, लंब पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया, जो अभी ऊपर आपका स्ट्रक्चर बना है ठीक वही इसमें बताया गया है, ठीक है, किस तरह से माना एक्स किरणों की कोई एक पुंज, ठीक है, कोई एक आपका क्या है बीम है, पुंज है, जो कहाँ पड़ता है जी जी डैश और जी है, ठीक है, जो आपकी तीनों लाइनें दिखाई दे रही थी जी जी डैश और जी जी डैश और जी डैश डैश, क्रिस्टल के तल पर थीटा कोण बनाती हुई गिराई जाती हैं, ठीक है, क्रिस्टल के तल पर इस प्रकार से बनाई जाती है कि उनके बीच में उनका कोई एंगल हो, कितना एंगल हो वो मान लिया, यहाँ पर कितना मान लिया थीटा कोण मान लिया, ठीक है, कितना आपका थीटा, ठीक है, इस तरह से गिराई जाती है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ थीटा कोण बने क्रिस्टल पर गिराते समय। माना कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड आदि क्या है क्रिस्टल के उत्तरोत्तर जालक, जो आपका क्रिस्टल है उसके उत्तरोत्तर जालक है ये डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, और इनमें क्या है आपके खांचे हैं और इनके बीच की दूरी को क्या माना इनने डी मान लिया है। एच जी ओ आपकी जो पहली रेखा है एच जी ओ, पुंज का कुछ भाग ओ पर ओ ई की दिशा में थीटा कोण बनाता है, किस पर ओ पर, अभी देखा था ऊपर, देखो आपकी जो पहली लाइन है एच जी ओ ये कहाँ बनाती है ओ पर, ठीक है, किस पर ओ पर, क्या बनाता है आपका ये थीटा कोण बनाता है, ठीक है, ओ पर ओ ई की दिशा में, किसकी दिशा में ओ ई की दिशा में थीटा कोण बनाता है, और ओ ये है आपका और ये ही है, तो इस दिशा में क्या बनाएगा ये थीटा कोण का निर्माण कर रहा है, ठीक है। आगे ओ ई की दिशा में थीटा कोण बना होता हुआ क्या हो जाता है वो लाइन आगे चली जाती है, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाता है। और इसी प्रकार आपकी जो दूसरी लाइन है, ठीक है, दूसरा पुंज है वो क्या करता है एच जे एच डैश जी डैश और ओ डैश, पुंज का कुछ भाग ओ डैश और ओ डैश ई डैश, ठीक है, किस पर ओ डैश और ई डैश की दिशा में और फिर एक्स तल के सी बिंदु पर, पहले कहा जाएगा आपका ओ डैश और ई डैश की दिशा में और फिर कहा जाएगा एक्स तल के सी बिंदु पर, जो कि क्या है आपका सी ओ ई है, क्या है आपका सी ओ ई दिशा में आपका परावर्तित हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी ओ ई में आपका परावर्तित हो जाता है, ठीक, जो आपका दूसरा लाइन है एच डैश जी डैश और आपका एच डैश जी डैश और ओ, एच डैश जी डैश ओ डैश, पुंज का कुछ भाग कहाँ आपका ओ डैश पर ओ डैश ई, ठीक है, किस पर ओ डैश पर, ठीक है, ओ डैश और आगे क्या है आपका ई डैश की दिशा में और फिर एक्स तल, ये कहाँ आ गया अब आपका ये जो आपका है एक्स तल, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है एक्स तल के सी बिंदु पर, कहाँ पर ये आपका एक्स तल का सी बिंदु है, बिंदु सी ओ ई दिशा में परिवर्तित हो जाता है, किसमें सी और ओ और ई की दिशा में आपका क्या हो जाता है ये आगे
चला जाता है, ठीक है, सीओई की दिशा में आपका आगे बढ़ जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है, चित्र से स्पष्ट है, जैसा कि ऊपर दिया है उससे स्पष्ट है कि दूसरी पुंज को ओ ई दिशा में परावर्तित होने के लिए पहली पुंज की अपेक्षा अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि अभी देखा था जो पहली किरण है आपकी वो परावर्तित होकर जा रही है और उसके नीचे जो आपकी दूसरी किरण है वो भी आपकी परावर्तित होकर जा रही है, तो दूसरी किरण को पहली किरण की अपेक्षा कुछ ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। और वो दूरी क्या है आपकी, अर्थात अगर हम बात करें एच डैश एच डैश जी डैश ओ डैश, ठीक है, ये दूसरी वाली लाइन है आपकी, में सी ओ दूरी एच जी ओ दूरी से अधिक है। इसमें जो आपकी सी ओ की दूरी है, कौन सी सी ओ दूरी है, वो कितनी है, वो पहली लाइन से ज़्यादा है। ठीक है, सी ओ जहाँ पर आपकी पहली लाइन गिर रही है और वहाँ से जहाँ आपका बिंदु दे रखा है, इतनी दूरी क्या है, इतनी दूरी अधिक है, ठीक है, पहली लाइन से। यदि हम अंतर विकिरणों की, ठीक है, अंतर विकिरणों की तरंग लंबाई का कोई पूर्ण गुणन, जैसे एक दो तीन कुछ भी ले लें, इंटीजर लें, तो कह रहा दोनों पुंज कौन कौन से, ओ एक ही प्रावस्था में है। ठीक है, दोनों पुंज कैसे होंगे, एक ही प्रावस्था में होंगे, जो कि आपके कहाँ मिल रहे हैं, ओ बिंदु पर आके मिलते हैं, जिससे वे एक दूसरे को प्रतिबल का उच्चतम तीव्रता की परावर्तित किरण बनाएंगे। अगर वो मान लो एक ही पॉइंट पर आपके हैं तो दोनों क्या करेंगे, उच्चतम तीव्रता की एक परावर्तित किरण बनाएंगे और अधिक तेजी से वो क्या होंगे, परावर्तित होंगे। और यदि दोनों ओ बिंदु पर, ठीक, दोनों पुंज क्या हैं आपके, ओ बिंदु पर एक ही प्रावस्था में, ठीक है, एक ही प्रावस्था में नहीं है, तो विनाशी व्यतिकरण क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, जिससे परावर्तित होने वाली किरण की तीव्रता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, परावर्तित होने वाली किरण की तीव्रता कम हो जाएगी, कब, जब वो दोनों आपके एक ही बिंदु पर ना हो, ठीक है, कहाँ ना हो, ये जो आपका ओ है, दोनों अगर आपके एक ही बिंदु ओ पर ना हो तो परावर्तित होने वाली किरण की जो तीव्रता है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दोनों अगर एक ही पुंज पर होंगे, दोनों पुंज ओ पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, तो परावर्तित होने वाली किरण की तीव्रता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं। अतः आपका जो रेन फोर्स होता है, अतः प्रबलन, प्रबलन, ठीक है, रेनफोर्समेंट के लिए निम्न स्थिति होगी। ठीक है, कब प्रबलन होगा, कब जो आपकी रेखाएं हैं तो वो कब जाके तेजी से परिवर्तित होंगी, इसके लिए आपकी एक कंडीशन दे रही है, दे रखी है, मेरा आपका जो जी डैश सी ओ होगा, जी डैश सी ओ, ठीक है, जी डैश सी ओ, उसमें से अगर आप जी ओ को कम कर दोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका एन लैम्डा के, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, आपका एन लैम्डा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जी डैश सी ओ में से क्या कर दे, कम कर देना जी ओ, जो पहली लाइन की आपकी पूरी लंबाई है उसको अगर आप कम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको एन लैम्डा मिल जाएगा, जहां एन क्या है आपका, जहां एन क्या है, नंबर है, ठीक है, इंटीजर है, गुणांक, और लैम्डा क्या है आपका, तरंग तरंग लंबाई है, ठीक है, रेखाखंड, ठीक है, दे रखा है जी डैश ओ डैश सी डैश, ठीक है, जी डैश ओ डैश और सी डैश को बढ़ाकर बिंदु से उस पर एक लंब क्या डाल दिया है आपका, ओ बी, ठीक है, क्या डाला था आपका, ओ और बी डाला था, कहाँ डाला था, ये आपका पढ़ा था इस पे इस तरह से, ठीक है, यहाँ था क्या आता सी और यहाँ क्या था आपका ओ, ठीक है, कुछ इस तरह से लंब डाला गया है, और एक लंब दूसरा आपका ओ ए, बिंदु ओ से बाई तल पर डाला गया है, जो ओ ए है यहाँ से यहाँ तक का वो किस पर डाला गया है, ये तल आपका कौन सा है, बाई तल पर डाला गया है, ठीक है, तो इस पर दो लंब डाले गए, एक ओ बी और दूसरा क्या है आपका ओ ए, ठीक है, किसको, जी डैश ओ डैश सी डैश को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, इस पर दो बिंदु दो लंब डाल दिए, एक ओ बी और दूसरा कौन सा आपका ओ ए है, जो कि बाई तल पर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कह रहा है आपका जो जी डैश सी ओ है, क्या है, जी डैश सी ओ है, ठीक है, बुक इसके बराबर है जी डैश ए माइनस सी ए, ठीक है, अब यहाँ पर जो सी ए लिखा है बुक इसके बराबर है, वो आपका सी ओ के बराबर है, सी ए किसके बराबर है आपका सी ओ के, तो यहाँ पर सी ओ की जगह पर अगर आप सी ए रख दोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, सी ए किसका है माइनस का, और प्लस इसकी जगह पर भी आप सी ए रख दोगे तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, जी डैश सी ओ बराबर आपका क्या आ जाएगा, जी डैश ए, क्या आ जाएगा, जी डैश सी ओ बराबर क्या आ जाएगा आपका, जी डैश ए आ जाएगा, ठीक,
और यहाँ पर क्या है आपका जी ओ, जी ओ बराबर क्या है जी डैश बी, ठीक है, क्या है जी ओ बराबर आपका जी डैश बी। अब यहाँ पर अगर हम देखें जी डैश सी ओ, क्या जी डैश सी ओ माइनस जी ओ बराबर किसके हो जाएगा जी डैश ए, ठीक है, जी डैश ए माइनस जी डैश बी, ठीक है, जी डैश ए माइनस जी डैश बी, ये दोनों किसके बराबर है जी डैश ए माइनस जी डैश बी। अगर इसमें से घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो छोटी सी लाइन ओ से लंब डाला था बी पर और ए पर, तो ये वाली आपको केवल लाइन मिलेगी, ठीक है, कितना मिलेगा केवल आपको इतना भाग बचा हुआ मिलेगा, ठीक है, जब इसमें से आप इसको घटा दोगे तो, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था बी ए बराबर क्या होता है आपका, बी ए बराबर क्या होता है आपका एन लैम्डा, ठीक है, बी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका एन लैम्डा, तो इसके बराबर आपका क्या हो जाता है एन लैम्डा, बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एन लैम्डा। अब एन लैम्डा जो हमारा पहले आया था, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था एन लैम्डा बराबर आपकी वैल्यू क्या आई थी, ये देखो यहाँ जी डैश सी ओ माइनस जी ओ इक्वल टू क्या है आपका एन लैम्डा, ठीक, ये तो बहुत आगे पहुंच गए भाई, बी ए, ठीक है, क्या आ गया आपका बहुत ज्यादा ये है, ठीक है, अब ध्यान रखना कह रहा चित्र से स्पष्ट है कि जो आपका कोण है बी ओ ए क्या है आपका बी और ओ और ए, ठीक है, कुछ इस तरह से इसके बीच में आपका जो कोण बना हुआ है थीटा वो क्या है, क्योंकि बी ओ रेखा जी डैश ए पर लंब है, जो आपकी बी ओ रेखा है क्या है बी ओ रेखा है वो किस पर जी डैश और ए पर क्या है एक लंब है, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए अपॉन ओ ए, क्या हो जाएगा बी ए अपॉन ओ ए, ठीक है, ये क्या है आपका आधार और ये क्या हो जाएगा आपका करंट, ठीक। अब देखो बी ए बराबर अगर हम साइन थीटा की बात करें तो इसमें क्या कर दो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ओ ए इंटू साइन थीटा और बी ए इक्वल टू, ठीक है, तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा ओ ए इंटू साइन थीटा, क्या हो गया ओ ए इंटू साइन थीटा, और आपका जो बी ओ ए है ओ ए की अगर हम बात करें यहाँ पर देखो सबसे ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें ओ ए ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक, इसमें अगर हम बात करें ओ ए की तो ओ यहाँ पर है और ए आपका कहाँ पर है यहाँ पर, तो इसमें कुल आपको कितनी दूरी दिखाई दे रही है डी, एक डी आपका ये है और दूसरा डी आपका ये है, तो हम कह सकते कि ओ ए बराबर आपका कितना हो जाएगा टू डी, कितना हो जाएगा आपका टू डी, तो ए ओ ए की जगह पे आपको क्या रख देना उठा के टू डी का मान रख देना और वहां से क्या हो जाएगा आपका जे ओ ए की जगह पे 2D का मान, तो बी ए की जगह पे क्या था आपका बी ए बराबर लैम्डा था और ओ ए बराबर किसके बराबर है 2D के बराबर है और साइन थीटा आपका साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा एन लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा, जो कि आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है, ये क्या है आपका ब्रैग समीकरण, क्या कहते हैं इसको ब्रैग समीकरण कहते हैं, ठीक है, ब्रैग इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, मोस्टली पूछा जाता है, कह रहा है इसी समीकरण को ब्रैग समीकरण या ब्रैग नियम कहते हैं, क्या कहते हैं चाहे ब्रैग समीकरण कह लो या ब्रैग नियम कह लो, ये की बात है, इस समीकरण से डी का मान सरलता से प्रकलित किया जा सकता है या डी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, कितनी दूरी है, यदि थीटा का मान ज्ञात हो तो लैम्डा का निर्धारित लैम्डा का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, किसका मान दे रखा हो अगर आपको थीटा दे रखा हो, ये जो है साइन थीटा इसका मान अगर आपको दे रखा हो तो आप यहाँ से लैम्डा भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोण थीटा एवं परावर्तित विकिरण किरण की तीव्रता ब्रैग एक्स विकिरण स्पेक्ट्रोमीटर से ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है, जो आपका थीटा कोण है और परावर्तित किरण की तीव्रता है वो ब्रैग एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर से ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा आप इसको ज्ञात कर सकते हो, किसको थीटा कोण को और परावर्तित किरण की तीव्रता को, कि आपकी जो किरण परावर्तित हो रही है उसकी स्पीड क्या है, कितनी तीव्रता से वो परावर्तित हो रही है, ठीक है, उसको ब्रैग एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, तो ये तो था आपका ब्रैग समीकरण, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 10 था ब्रैग समीकरण, ठीक है।
बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके, और इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। क्या एन लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2d sin थीटा, जो कि ब्रैग समीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो।